नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। इस्लामाबाद से लेकर इंग्लैंड और वाशिंगटन तक मदरसा मुल्क के दूतावासों में चूहों के बिल गहरे हो गए हैं। जिधर भी देखो हाहाकार मचा हुआ है। कंगाल पाकिस्तान के दिवालिया होने का ढिंडोरा भी सर्बिया में पाकिस्तानी एम्बेसी ने पीटा था। उसके बाद दुनिया भर के देशों में मौजूद इस आतंकी और खटारा मुल्क के दूतावासों के कंगाल होने की खबरें आनी शुरू हुई। वैसे पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने 4 दिसंबर को रिपोर्ट में बता दिया था कि अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास के पास भी इतने पैसे नहीं बचे हैं जो स्टाफ को सैलरी दे सके। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास में अनुबंध पर काम करने वाले कम से कम 5 कर्मियों को अगस्त महीने से सैलरी नहीं मिली है। इन 5 में से एक स्टाफ जो कि पिछले 10 साल से काम कर रहा था, उसने सैलरी मिलने में देरी के कारण नौकरी छोड़ दी। पर सवाल यही है कि परमाणु संपन्न मुल्क कीटाणु संपन्न कैसे हो गया है? पाकिस्तानी दूतावासों की सैलरी कौन खा रहा है? यह सैलरी कहां से आती है और अब इसके न मिलने से जाहिलों में हड़कंप क्यों है? वाशिंगटन के दूतावास और अन्य दूतावासों में स्थानीय कर्मियों को 1 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, बाद में इनका एक्सटेंशन होता रहता है। अमेरिका की न्यूनतम तनख्वाह के हिसाब से इन्हें 2,000 से 2,500 डॉलर प्रति महीने देने होते हैं। दूतावास में नियुक्त स्थानीय कर्मचारी चाहे स्थायी हो या अनुबंध पर हो, उन्हें फॉरन ऑफिस एम्प्लॉय की तरह कोई विशेष अधिकार नहीं मिलते हैं। स्थानीय कर्मियों की नियुक्ति सामान्य तौर पर काउंसल सेक्शन में वीजा, पासपोर्ट, दस्तावेजों के सत्यापन के साथ उस देश में रहने वाले पाकिस्तानियों की मदद मुहैया कराने के लिए होती है। इन कर्मियों को वेतन पाकिस्तानी कम्युनिटी वेलफेयर फंड से मिलता है। यह फंड स्थानीय स्तर पर सर्विस फीस से लिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो कर्जों के लिए बवाल मचाई हुआ है, उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी वेलफेयर फंड भी 1 साल से खाली है। पिछले साल जब पाकिस्तान में कोरोना ने 72 हूरों के रिजर्वेशन के काउंटर खोले थे, इमरान लोंडे ने इस पैसे से वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण खरीद लिए थे। फंड खाली होने से इसका सीधा असर वहां काम करने वाले कर्मियों पर पड़ा है। पाकिस्तान में खुद गधा मारो कुत्ता खाओ वाले हालात हैं, इसलिए इधर से भी भीख की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी दूतावासों ने अपने तहमदों की लाज बचाने के लिए एक दूसरा जुगाड़ कर लिया। उन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए दूसरे अकाउंट से भारी मात्रा में कर्ज उठा लिया, मगर इन खातों में भी इमरान की मदीने की रियासत सीटी बजा गई और यहां भी धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। स्थानीय कर्मियों ने सैलरी के लिए दूतावासों को अक्टूबर में पत्र लिखा था। पाकिस्तानी दूतावास भी इस मुद्दे को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाता रहा है, मगर जब मदरसा मुल्क खुद ही उजड़ा चमन बन गया तो वह विदेश में पैसे कहां से भेज पाता? नतीजा यह हुआ कि सर्बिया के पाकिस्तानी दूतावास ने मदीने की रियासत का भंडा फोड़ दिया और जाहिलों के नए पाकिस्तान का ख्वाब का घड़ा मदरसा मुल्क को जलील करके तोड़ दिया। पर इन जाहिलों पर हो रही है थूतू सूसू अभी भी रुकने वाली नहीं है। ब्रिटेन, चीन, तुर्की, खाड़ी देशों में भी यही हालात बन रहे हैं। यहां भी जल्द ही सैलरी बिगुल बजने वाला है। देश में भी ग्रुप ए के अधिकारियों का वेतन रुका हुआ है। इनमें से बहुत से अधिकारी छुट्टी मार रहे हैं तो कई ने तैमद कसकर मैदान में आने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।